हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा रिकॉर्डिंग का ऐप सबसे बेस्ट है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनल रिकॉर्डिंग या फिर आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप कौन सा थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका गेम भी अच्छा चले, आपका क्वालिटी भी अच्छी मिले, प्लस आप एक अच्छा मतलब रिकॉर्ड कर सको सिनेरियो विद योर टीममेट वॉइस एंड योर ओन वॉइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्लिप। ये आपको इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और जैसे ही आपने ये ऐप को डाउनलोड किया, ये ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार है। देखो आपको इसको सिर्फ किस पे क्लिक करना है। सो आपसे परमिशन जो भी मांगता है आप उसको देना है। स्टार्टिंग की ये परमिशन, अगर समझो आपको इससे लाइव स्ट्रीम करनी है सो इससे आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। अगर समझो आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है सो आप ऊपर से इसको स्किप कर सकते हो, स्किप साइन इन। सो सबसे पहले इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे तो आपको नीचे यहाँ पर एक रिकॉर्ड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने रिकॉर्डिंग का ऐसे आएगा आइकन, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन आपको जो करना है, यहाँ पे लिखा है फिक्स टीममेट नॉट हियरिंग एनी वॉइस, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। आपको उसको परमिशन देनी है, लाइक आपको जहाँ पर भी आपका ये परमिशन आएगा, देखो नीचे मेरे को यहाँ पर आ गया, आपको ये परमिशन इसको अनेबल करना है, आपको इसको अलाउ कर देना है। और जैसे ही आपने इसको अलाउ किया आपको रिसेंट से हटा के आपको ये फिर से ऐप में आ जाना है। सो मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा, एक हाई एंड डिवाइस के लिए, एक लो एंड डिवाइस के लिए, और मिड रेंज के लिए भी बता देता हूं। चलो सबसे पहले आपको आपका जो भी इंटरफेस होगा आपको ये बंद कर देना है, सेल्फ स्टार्ट ऑन गेम प्ले, और इसको आपको अवॉइड एबनॉर्मल बैटरी में, इसको आपको परमिशन देनी है कि आपके बैटरी को मतलब आपका बैकग्राउंड में चलता रही ऐप अच्छे से। सो फर्स्ट हम बात करते हैं वीडियो सेटिंग की। वीडियो सेटिंग में आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करके वो करना है कस्टम में क्लिक, और इसके बाद जो सबसे लो एंड डिवाइस वाले वो करो 720p और 45 या फिर 30 fps रखो, और बिट रेट यहाँ पे आपको 8 रखना है लो एंड डिवाइस वालों के लिए या फिर 4 रखना है। ये सिर्फ लो एंड डिवाइस वालों के लिए है, जिसका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा लो एंड है उसके लिए। बात करते हैं अभी थोड़ा मिड रेंज डिवाइस के बारे में कि भाई उनको क्या रखना है। उनको रखना है, उनको भी आप 720p रख सकते हो या 1080p रख सकते हो जो मिड रेंज वाले, लेकिन आपको FPS जो है वो 30 से 45 के बीच में रखना है अगर आपको लैग नहीं देखना है तो। और आपका जो बिट रेट है उसको रख दो आप 8 पे। ये आपके लिए एकदम बेस्ट सेटिंग होगी मिड रेंज वालों के लिए। बात करते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के लिए, इसके पास हाई एंड डिवाइस अच्छा डिवाइस है वो भी 1080p पे रखो या 420p भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और अब उसको रखो 60 fps में। 60 fps रखने के बाद आप रखो उसको एडवांस बिट रेट को अनेबल करके, आप इसको रखो सिर्फ 24 पे। ये है एकदम हाई एंड डिवाइस वालों के लिए, इससे आपको क्या होगा। और हाँ, उसके बाद आपको क्लिक करना है, ये आपका हो गया तो ये आपका तीनों सेटिंग आपके हिसाब से आपके डिवाइस के हिसाब से कर लो। नेक्स्ट में आपको आना है ऑडियो सेटिंग्स में। ऑडियो सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको सब चार ऑप्शन आएंगे, एक आएगा म्यूट, एक आएगा माइक्रोफोन और एक आएगा इन गेम ऑडियो। इन गेम ऑडियो मतलब है इंटरनल साउंड आपका, माइक्रोफोन में आपका जो माइक से रिकॉर्ड होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 जिसका है अपग्रेड उन्हीं के लिए है, 9, 8 ये सब के लिए नहीं होने वाला है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका इन गेम ऑडियो प्लस आपका माइक्रोफोन ऑडियो ये दोनों रिकॉर्ड होंगे, और आप मतलब आपकी टीममेट की साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें आपकी खुद की साउंड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और अपना ये आपका सेटिंग्स हो जाएगा, आपको जो भी एडिशनल क्लिक करके ये सब इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेट होगा। और आपको सिर्फ परमिशन देने, जैसे कि गेव रिकॉर्डिंग परमिशन, ये जो भी परमिशन मांग रहा है आपको इसको सारी परमिशन देनी है, जैसे कि देखो इसको अलाउ कर देना है ऐसे करके। और ये ज़्यादा इसमें कोई सेटिंग्स भी नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट नाउ करके इसको लाइव स्ट्रीम, अभी मेरा ये ऐप चल रहा है रिकॉर्डिंग का, सो आप इससे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि भाई मेरे डिवाइस में है दोनों ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम, जो मेरा IQ Neo 9 Pro है इसमें आपको दोनों मिल जाता है। लाइक देखो अभी मैं क्लिक नहीं कर पाऊँगा, इसमें आपको दोनों सेटिंग मिल जाएगा, इसमें आपका इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड हो जाता है और सिर्फ IQ वालों के लिए। सो अगर आप वीडियो तक यहाँ तक बने हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो, एंड ऐसी मैं नई नई वीडियो के साथ आपके पास आता रहूँगा, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए दुआओं में याद, स्टे फिराक, बाय बाय।